सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में कैसे आपका स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2021 का स्कॉलरशिप वर्ष स्टार्ट हो गया फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21। तो कैसे करना है फुल डिटेल्स आपको बताऊंगा मैं। आप इस वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, आप खुद ही अपना स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक आप सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो स्किप मत कीजिए, शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। आप अगर मेरा चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और सबसे पहले आपका कोई भी जानकारी प्राप्त कर लो। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल पे अपने NSP लेके सर्च कीजिए, उसके बाद पहला जो लिंक आएगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होम, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अगर आपने रिन्यू करना चाहते हैं तो लॉगिन पे क्लिक करके रिन्यूअल जो 2020-21 रिन्यूअल पर क्लिक करना है। तो मैंने नया करके देखाता हूँ, जो नए कस्टमर के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, नीचे आइए, यहाँ पर आपको मिलेगा 3 चेकबॉक्स, 3 चेक, यहाँ पर आपको मिलेगा 3 चेकबॉक्स, इसको टिक करना है आपको, उसके बाद कंटिन्यू करना है। अभी आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक जो करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करना होगा। प्री मैट्रिक मतलब मैट्रिक से जो नीचे 10 क्लास से जो नीचे होता है वो प्री मैट्रिक में आता है, जो 10 का ऊपर जो जाता है उसको पोस्ट मैट्रिक कहता है। तो मैं प्री मैट्रिक के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो प्री मैट्रिक पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट नेम देना है, मैंने स्टूडेंट नेम डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर स्कीम टाइप स्कॉलरशिप स्कीम, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद देना है डेट ऑफ बर्थ, मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। ईमेल आईडी आप डाल भी सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, तो मेरे पास है तो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद बैंक IFSC कोड डालना है। IFSC कोड कंफर्म करना है, दोबारा डालना है। उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट नंबर कंफर्म करना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, आपका पास आधार कार्ड है तो आधार नंबर सेलेक्ट कीजिए, नहीं है तो बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद बैंक का जो फोन पे बैंक का पासबुक का जो स्कैनिंग कॉपी,
आपको मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए, 200 KB से कम होना चाहिए आपका फाइल साइज। उसके बाद आपको स्टूडेंट एप्लीकेशन आईडी मिलेगा, इसको आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आईडी डाल के लॉगिन करना होगा, एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है आपको वही है पासवर्ड। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। फिर आपको लॉगिन होने के बाद आपको OTP जाएगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, OTP डालकर आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आपको नया पासवर्ड बनाना होगा। यहाँ पर आपको 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और नंबर और एक जैसे सिंबल देना चाहिए पासवर्ड में, तभी आपको पासवर्ड होगा। उसके बाद आपको लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर लॉगिन होने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सारी डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि रिलीजन, उसके बाद कम्युनिटी कैटेगरी, फादर नेम, मदर नेम, एनुअल इनकम, उसके बाद डे, स्कॉलर, हॉस्टेलर, जो भी है हॉस्टेलर में है तो हॉस्टेलर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है इंस्टीट्यूट नेम, इसमें सर्च करना है आपको इंस्टीट्यूट डिटेल्स, गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट, इस पर क्लिक करना है। पर ऐसे आपको लिस्ट आ जाएगा, यहाँ पर जो आपका स्कूल है वो स्कूल का नेम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। लास्ट एग्जामिनेशन पास्ट, लास्ट एग्जामिनेशन पास्ट आपको कहाँ से हुई तो वो देना है। यहाँ पर आप छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर गार्जियन नेम देना है। उसके बाद आपको पेरेंट प्रोफेशन अंदर पे सेलेक्ट कर दीजिए, मेरिटल स्टेटस अनमेरिट। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ब्लॉक सेलेक्ट करना है और एड्रेस डाल देना है। उसके बाद पिन कोड डालना है यहाँ पर। उसके बाद आपको प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए स्कॉलरशिप अमाउंट लेस देन 50,000, नो नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट्स, सबमिट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट।
आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आपको स्कूल में सबमिट कीजिए डॉक्यूमेंट्स। आपको सिर्फ इस डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, इसमें डाउनलोड कीजिए इस फॉर्म, आप फाइनली सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही फाइनली सबमिट पर क्लिक करेगा तो आपका स्कॉलरशिप अप्लाई सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको स्कॉलरशिप जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पर, और से वेरिफिकेशन होने के बाद आपको फाइनली आपके अकाउंट पर बैलेंस आ जाएगा, पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र कर देगा। आई होप इस वीडियो आप लोगों का पसंद आया होगा। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी खुद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।